हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल पैस नॉलेज। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर है, और ये सब्जेक्ट जो रहेगा नर्सिंग फाउंडेशन का। सेशन जो रहेगा इसमें 2015 का रहेगा। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने 2016, 2017 एंड 2014 का क्वेश्चन पेपर शेयर किया है, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं 2015 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं आपको इसे फॉलो करना है। तो इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, फर्स्ट तो आपको इसमें ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना है। अगर इसमें कोई भी डायग्राम आता है तो उसे आपको बनाना नेसेसरी होगा, राइट। द नंबर ऑफ टू द राइट इंडिकेशन फुल मार्क्स, राइट। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी आपको क्वेश्चन करना है। यूज़ अ कॉमन आंसर बुक फॉर ऑल क्वेश्चंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो आपकी है वो 40 मार्क्स की रहेगी और सेक्शन बी 35 मार्क्स की रहेगी, राइट। ये तो आप सभी को ही मालूम है। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर रही हूँ, उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसे आप एक बार जरूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बिकॉज आप लोगों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है, राइट। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसे हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें है शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हेल्थ केयर टीम, ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। एंड क्वेश्चन सी, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, 5 मार्क्स। डी में आता है कंज्यूमर राइट्स, ये आपका 5 मार्क्स। असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपका 5 मार्क्स। एंड नेक्स्ट मैश्लो एंड हायरार्की ऑफ नीड्स, ये आपका 5 मार्क्स का। टोटल आपका 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन, राइट। एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनी वन आउट ऑफ टू। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशंस, लेवल, टाइप्स, मोड्स एंड मेथड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, 15 मार्क्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पेशेंट यूनिट, हाउ विल यू प्रिपेयर द यूनिट टू रिसीव एन एडमिशन, राइट द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ बेड मेकिंग, 15 मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेड मेकिंग, इसमें आपसे 5 मार्क्स, 15, 20, जिस भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। एंड सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी इसमें दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। एनी 4 आउट ऑफ 5, 5 क्वेश्चन में से एनी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। वन क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी आपका 35 मार्क्स की रहेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है टाइप्स ऑफ फीवर, मोस्ट वन क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट वाटर बैग एप्लीकेशंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर ऑफ द यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज, रोल ऑफ नर्स इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट, मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है। ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, एनी वन आउट ऑफ टू, 15 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी, एलिमेंट ऑफ मोबिलिटी हजार्ड एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी, राइट, 15 मार्क्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ग्रीफ एंड ग्रीविंग प्रोसेस साइन ऑफ क्लिनिकल डेथ एंड केयर ऑफ डेइंग पेशेंट, 15 मार्क्स। टोटल आपका ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। टू क्वेश्चन है जिनमें से आपको वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। आपको 35 मार्क्स का ये क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना होगा। जो आपको क्वेश्चन आता है उसे आप पहले कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेक्शन ए में 40 मार्क्स की रहेगी, इनमें से भी आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको करना होगा। अगर कोई भी डायग्राम पूछता है तो आप उसे भी ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको समझ आए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।